हिंदुस्तान में गांजे के इस्तेमाल को लेकर क्यों बेर बहस हो चुकी है, काय के गांजा को इस्तेमाल करे जाए कि नहीं करे जाए, ई को लेकर कई सारे पहलू हैं। फिलहाल गांजे की को खेती करत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाते है। लेकिन आज एक बड़ा मुद्दा सामने आओ, जब कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने गांजे के बढ़ते उपयोग को देखत भय सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करे और इको धर्म से जोड़वे पे आपत्ति जताई। लक्ष्मण सिंह ने ट्विटर पर लिखे कि गांजे को शिव बूटी का नाम देकर दुर्भाग्यवश धर्म से जोड़ा जा रहा है, यही कारण है कि इसका सेवन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी ने अमृत मंथन में निकला विष पिया था, गांजा नहीं। उतई लक्ष्मण सिंह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने आपत्ति जताई है। हितेश वाजपेयी ने लिखे है कि गांजे के पौधे में जो दो रसायन पाए जाते हैं वो हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल यानी THC और कैनाबिडोल यानी CBD। गांजे में नशा THC की मौजूदगी के कारण होता है। कैनाबिडोल में नशे के कोई गुण नहीं है और इसके इस्तेमाल से किसी को नशे की लत नहीं लगती। आयुर्वेद में करीब 200 अलग अलग जगहों में गांजे का जिक्र है। इस पौधे के मादक पदार्थ का नाम गांजा है, संस्कृत में इसे विजया कहते हैं। आयुर्वेद में इसके इस्तेमाल को बुरा नहीं माना जाता। हितेश वाजपेयी ने आगे लिखे है कि कई आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनमें न केवल विजया का इस्तेमाल किया जाता है बल्कि अफीम का भी इस्तेमाल होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हितेश वाजपेयी ने जब इतने डिटेल में जवाब दो तो लक्ष्मण सिंह ने लिख दो कि आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उतई कांग्रेस पार्टी के नेता योगेंद्र सिंह परिहार ने लिखे कि स्वयंभू डॉक्टर अब ये बताने में व्यस्त हैं कि गांजा अच्छी चीज़ होती है, हे ब्राह्मण देवता, नशे को सही ठहराना गलत है। अब गांजा को लेकर जब बहस राजनीतिक हो गई, लेकिन बड़ो सवाल यही है कि अगर गांजा में कोनू आयुर्वेदिक गुण हैं भी तो वे दवाई में इस्तेमाल के तौर पर ही ठीक हुई हैं, लेकिन नशे के तौर पर तो गांजा गलत है। लेकिन इतने दो राजनेताओं की जुबानी जंग में को सही है को गलत, जो आप खुद तय करो। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में गांजा को लेकर भई है जा ट्विटर वाली बहस। श्रीजी साइन बोर्ड एलईडी बोर्ड स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में, संपर्क 9752985555। अब एक साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को, फीस है केवल ₹36,000। कॉल करें 7747068666 पर।